अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी इमेजेस को 4K क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं, यानी कि अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर हमारी इमेज की क्वालिटी बहुत कम है तो हम उसको अच्छी क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें PixArt एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ये PixArt का प्रीमियम मोड APK है। अगर आपको चाहिए तो FB पेज पे या इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, मैं आपको इसकी लिंक वहीं पे दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो फिर यहाँ नीचे प्लस के आइकॉन पे टैप करना होगा। यहाँ पे एडिट या फोटो का ऑप्शन है, इसी पे टैप करना होगा। फिर यहाँ से आपको वो इमेज लेनी है जिसको आप HD इफेक्ट देना चाहेंगे, अच्छा बनाना चाहेंगे। तो मैं आपको सिखाने के लिए एक इमेज लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली। तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज जो ये है, ये अभी अच्छी नहीं है, यानी कि इसका जो इसकी क्वालिटी है वो अभी अच्छी नहीं है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ हमें टूल्स पे टैप करना होगा। नीचे ये ऑप्शन दिया होगा, इसी पे। तो यहाँ से हमें ये इनहेंस का जो ऑप्शन है यहाँ नीचे पे, इसी पे टैप करना होगा। तो इस पे टैप करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपकी इमेज पहले कैसी थी और अब कैसी बन गई है। तो ये अपनी पूरी इमेज पर ये सेट करने के लिए इसको यहाँ से आप घुमा सकते हैं। तो देखिए पहले ये कैसी थी यहाँ पर, अब देखिए कैसी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बन गई यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पूरी इमेज पे लगाएंगे ताकि हमारी पूरी इमेज जो है वो अच्छी बन जाए। उसके बाद यहाँ नीचे इंटेंसिटी का एक ऑप्शन दिया होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नीचे। तो इसको ऊपर करने से हमारी इमेज जो है वो और भी अच्छी बन जाती है। अगर नीचे करेंगे तो हमारी इमेज फिर से वही बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं इसको इतना ही रखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारी कैसे इमेज थी और अब कैसे बन गई है। तो इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं, इसको इधर उधर करके। तो इसको सेव करने के लिए ऊपर यहाँ टिक पे टैप करना होगा, फिर यहाँ एरो पे टैप करना होगा। तो यहाँ पे फिर सेव करना होगा, फिर से यहाँ पे सेव करना होगा। तो यह आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम साथियों को ये समझ आ गया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम।